आनंद वचनामृतम। यदि कोई सोचे कि समाज, संसार और यहाँ के शोषित, पीड़ित, अवहेलित जीव के कष्ट को भूलकर हिमालय की गुफा में जाकर शीर्षासन करते हुए कई युगों तक साधना करूँगा और परम पुरुष गुफा के पत्थर के दरवाजे को अपने हाथ से खोलकर मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, वत्स किम आकांक्षा, पुत्र क्या चाहते हो? और मैं कहूंगा कि मैं सप्तर्षि मंडल के तारों में स्थान पाना चाहता हूँ। तो वैसा होना संभव नहीं है, वैसा कभी होगा भी नहीं। पर्वत की गुफा में दीर्घ काल तक की गई कष्टदायक साधना की उपलब्धि बाढ़ के पानी की तरह बहकर व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए वह भागवत धर्म का पथ नहीं है। गृही लोग गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भागवत धर्म का पालन करेंगे और सन्यासी गृहस्थ धर्म के बाहर रहकर भागवत धर्म का अनुशीलन करेंगे और लोगों के सभी क्लेश में शांति और समृद्धि का मलहम लगाते रहेंगे। यही धर्मोचित पथ है। वास्तव में परम पुरुष भी यही चाहते हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी।